नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आज की सीरीज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और उन्हीं पक्षों पर बात करने वाले हैं जो कि हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आपसे सिर्फ इतना गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए और आपके सपनों को साकार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए यहां देखिए, चार लाइन सुंदर सी आपके लिए लिखी गई हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बना देता है। मतलब आपके पास जो भी बाकी समय है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आप उसमें अपना 100% लगा दीजिए या अपना 100% दीजिए, यकीन मानिए आप सफल होके ही रहेंगे। इसी क्रम में आपसे सिर्फ इतना गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये रिवीजन की सीरीज। देखिए, पहला है, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किस पहली आश्वेत और दूसरी महिला को अध्यक्ष चुना गया? तो हमारा उत्तर जो है ये क्लाउडिन गे है, और आप ध्यान रखना है कि पहली आश्वेत महिला के रूप में है और दूसरी महिला के रूप में ये है। अगर हम बात करें ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहां से संबंधित है, तो यूएसए से संबंधित है, और यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। और यहां के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। और पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस है। और स्पीकर कौन है? तो नैन्सी पेलोसी है। आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, यहीं पर पहली महिला आश्वेत आश्वेत जज नियुक्त की गई हैं। इनका क्या नाम है? तो आप ध्यान रखेंगे, केंटा जी ब्राउन जैक्सन जो हैं, ये यूएसए की पहली आश्वेत महिला जज के रूप में नियुक्त की गई हैं। अगले हम प्रश्न को देख लें जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रहा मित्रों का समूह कौन सा देश शामिल है? देखिए, दिए गए देश बांग्लादेश शामिल है, मिस्र शामिल है, फ्रांस शामिल है, साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों नेपाल याद रखेंगे, मोरक्को याद रखेंगे, साथ ही साथ आपको याद रखना भारत। इन देशों के द्वारा मित्रों का समूह संगठन का क्या किया गया? संगठन का निर्माण किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आप याद रखेंगे, यूएन के द्वारा जो शांति दूत भेजे जाते हैं विश्व के अलग अलग देशों में, जिनका कार्य शांति बहाल करना है, उनके साथ हिंसा को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में आप जरूर याद रखेंगे इस संगठन को, मित्रों का समूह कौन कौन? बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, नेपाल, मोरक्को और भारत। इसी तरह से मित्रों एक नई संगठन है, आप याद रखेंगे, I2U2। यहां I2 का मतलब इंडिया है, साथ ही साथ इजराइल है, और U2 का यहां मतलब USA है, साथ ही साथ UAE है, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला रिवीजन का प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा डियर मून प्रोजेक्ट यात्रा में एकमात्र भारतीय कौन है? सबसे पहला तो प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि यह किस देश द्वारा या किसके द्वारा यह प्रारंभ किया गया है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये जापान के एक व्यवसायी हैं निजी, इनके द्वारा ये डियर मून प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है, और इसमें 8 यात्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें एकमात्र भारतीय लिए गए हैं। इनका नाम क्या है? देव जोशी है। इसी क्रम में अगर हम बात करें मित्रों जापान से, तो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और वर्तमान में यहां के प्रधानमंत्री कौन है? तो फुमियो कोशिदो है। साथ ही साथ जापान के में सबसे लंबा प्रधानमंत्री का कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है सिंजो आबे जी थे, और जिनका हाल ही में गोलियों से मारकर हत्या कर दिया गया था। साथ ही साथ याद रखेंगे 2021 का एकमात्र विदेशी जिनको भारत का पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, और 2022 का नेताजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह भी सिंजो आबे जी को सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे क्वाड देश इसकी संकल्पना करने वाले कौन थे? तो जापान के प्रधानमंत्री सिंजो आबे जी थे। और 2007 में कौन कौन देश शामिल है? तो आप याद रखेंगे इंडिया इसमें शामिल है, साथ ही साथ याद रखेंगे जापान इसमें शामिल है, यूएसए शामिल है, और आप याद रखेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और इन्हीं देशों के साथ एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास। और जापान से पूछा जाता है यहां से कि इनके द्वीपों का क्रम, तो आप याद रखेंगे उत्तर से दक्षिण के क्रम में अगर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे होकाइडो, होनसू, सिकोकू और क्यूसू, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है और निरंतर पूछा
पूछा जाने वाला प्रश्न के रूप में है। अगला हमारा है, हाल ही में अपने करियर में 50 विकेट और 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये जो रूट बने हैं। तो यहां से दो अन्य कौन है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखेंगे, पहले कौन है, स्टीव वॉ है, ये कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, और जैक कालिस है, और तीसरे जो रूट है, ये आपको याद रखना है। आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया? अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहां हमारा सही जो आंसर है, ये अश्विनी बैसरो जी को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में ध्यान रखेंगे, केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है? तो यहां पर अश्विनी बैसरो जी हैं। और गति शक्ति की बात करें तो बजट में किसकी बात की गई है? तो गति शक्ति की बात की गई थी। साथ ही साथ इसके स्तंभ कितने बताए गए थे? तो 7 स्तंभ या 7 इंजन बताए गए थे, जिसमें से पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाता है? तो यह वडोदरा, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है, यहां स्थापित किया जाता है। और यहीं पर पहले चांसलर अश्विनी बैसरो जी को नियुक्त किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में दोस्तों भूलेंगे नहीं, हाल ही में विश्व का पहला देश जिसने सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी की घोषणा की है, तो ऐसा करने वाला भारत है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य है निवेश को बढ़ावा देना, मतलब निवेश को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? और किसी आपदा के दौरान राहत कार्यों में तेजी से पहुंचाना या राहत कार्यों में सुगमता लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए कहां पर यह टनल बनाया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा है, हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा किस विमान कंपनी को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से यह प्रश्न है, तो आप जरूर याद रखेंगे कि दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे दिया गया है? तो स्पाइस जेट है। इसी क्रम में आप जरूर 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार प्रश्न के रूप में बने हुए हैं चर्चा में। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, तो अटलांटा हवाई अड्डा है, जो कि यूएसए से है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है? तो आप याद रखेंगे यूएई का है, किंग हमद है। इसी क्रम में आपको याद रखना है। तीसरा, भारत के परिपेक्ष में अगर भारत में पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो आप याद रखेंगे जो आपका कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है, जबकि कोविड चैंपियन का पुरस्कार कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है। और कार्बन न्यूट्रल अत्यंत महत्वपूर्ण है, कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन बना है? तो लेह लद्दाख में जो है, ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण जानकारी को सीखते हैं। अगला है, हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा कौन सा युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो यह ध्यान रखेंगे, यह कौन सा है, मोरमोगांव है, आप याद रखेंगे। बात हो रही है नौसेना की, तो आप याद रखेंगे हाल ही में 51वां नौसेना दिवस मनाया गया है, और नौसेना के प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार जी जो है वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में आप प्रोजेक्ट 75 याद रखेंगे, साथ ही साथ आप भारत का पहला स्वदेशी पोतवाहक विमान INS विक्रांत याद रखेंगे, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हमारा है, हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? तो दोस्तों भूले नहीं, उड़ीसा से किया गया। और यहां से आपको याद रखना है अग्नि 5 सीरीज को, तो यहां आपको ये एक नाम याद रखना है, पटना याद रखना है, और इसमें आपको पी से पृथ्वी याद रखना है, साथ ही साथ ए से अग्नि याद रखना है, टी से त्रिशूल याद रखना है, साथ ही साथ एन की बात करें तो नाग याद रखना है, और ए से आकाश याद रखना है। और ये मिसाइलें किसके द्वारा बनाया गया था, शुरुआत किसके द्वारा? तो भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले APJ अब्दुल कलाम के समय में इनका निर्माण प्रारंभ किया गया था। और इसी सीरीज में अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है, कहां? उड़ीसा का एक स्थान है जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से पहले जाना जाता था, अब इसी का नाम परिवर्तित करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, यहां से इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो यह भी ध्यान रखेंगे, यह 5000 इसकी मारक क्षमता है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। अगला हमारा महत्वपूर्ण रिवीजन का प्रश्न देखें, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्धाभ्यास का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कहां
प्रारंभ किया गया, तो ये कहां? नेपाल में। अब यहां से अगर युद्धाभ्यासों की बात की जाए दोस्तों, तो आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? भारत और नेपाल के बीच में। अगर पूछा जाए मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स किसके बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में। अगर पूछा जाए काजिंद युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? तो कजाकिस्तान और भारत के बीच में। इसी क्रम में पूछा जाता है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, साथ ही साथ पूछा जाता है मालाबार युद्धाभ्यास, आपसे पूछा जाता है लामितीय युद्धाभ्यास। तो आप याद रखें धर्म गार्जियन, साथ ही साथ मालाबार, और आप याद रखेंगे जाइमेक्स। ये भारत और जापान के साथ आयोजित होने वाले युद्ध है। और हम बात करें यहां पर आपको याद रखें लामितीय का, तो सेशल्स और भारत के बीच में युद्धाभ्यास का नाम है लामितीय। अगर हम बात करें एक्वेरियन का, तो आप याद रखें मालदीव और भारत के बीच में एक्वेरियन होता है। बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर और संप्रीति होता है। और गरुण और वरुण युद्धाभ्यास जो होता है यह भारत और फ्रांस के साथ होता है, जबकि गरुण शक्ति अगर पूछ लिया जाए तो इंडोनेशिया के साथ आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में अगला हम देखें, हाल ही में किन भारतीय उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए यहां गमोचा है, तो गमोचा आप ध्यान रखेंगे ये असम से संबंधित है, और ये तौलिया है। अगर तंदूर रेड ग्राम की बात करें तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है, और खुबानी की बात करें तो ये लद्दाख राज्य का फल है, और सफेद प्याज की बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में GI से संबंधित आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि किस अधिनियम के द्वारा, तो अधिनियम आप याद रखेंगे 1999, कौन सा? 1999, और इसे लागू कब किया गया? 2003 में लागू किया गया। और भारत का पहला प्रोडक्ट जो है या उत्पाद जो है 2004 में GI टैग से सम्मानित किया गया, उसका नाम क्या है? दार्जिलिंग चाय है। इसी क्रम में दोस्तों भूलना नहीं है, हाल ही में GI महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहां किया गया था? तो वाराणसी में किया गया था। और मोस्ट GI पॉपुलर का टैग किसे दिया गया है? तो हैदराबादी हलीम को दिया गया है, जो कि नॉनवेज डिश है, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत की किस योजना को 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न यह है आपको जरूरी इसके बारे में ध्यान रखना है। नमामि गंगे योजना जो है ये क्या की गई है? 10 पुनर्जीवित योजनाओं में शामिल की गई है। इसी क्रम में बात करें तो इसकी शुरुआत भारत में कब होती है? 2014 में होती है। और वर्तमान में इसे किस मंत्रालय के अधीन कार्य हो रहा है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसका कार्य होता है। अगर हम बात करें वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हैं ये केंद्रीय मंत्री हैं। इसी क्रम में इसी से संबंधित मंत्रालय से संबंधित आप याद रखेंगे हर घर जल का लक्ष्य कब तक का भारत के द्वारा? तो 2024 तक का रखा गया है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें गंगा डॉल्फिन, तो आप याद रखेंगे 2009 में 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है, यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण जानकारी अगर देखें, तो भारत में गंगा सबसे बड़ी नदी के रूप में कौन सी है? गंगा नदी है, जो कि पूरे भारत में 2525 किलोमीटर का है प्रवाह करती है। साथ ही सबसे ज्यादा किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवाह है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगला हम देखें, हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के मध्य काजिंद युद्धाभ्यास, अभी जैसा की बात हो रहा था मित्रों, का आयोजन कहां किया गया? तो मेघालय के उमरोई, याद रखेंगे उमरोई स्थान कहां का है? मेघालय का है। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। और विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है? तो मेघालय का मासिनराम है, जो कि चेरापूंजी जिले से संबंधित है। यहीं पे गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियां हैं, साथ ही साथ यहां के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है, और यहां के राज्यपाल हाल ही में अतिरिक्त प्रभार के रूप में VD मिश्रा जी को दिया गया है, आपको याद रखना है। यहीं पे आप याद रखेंगे कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय की राजधानी शिलांग में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए अगला देखें, हाल ही में कौन सा देश 2023 में अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये मोरक्को करेगा। आपको ध्यान रखना है हाल ही में दोहा कतर में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया था, तो इसमें विजेता टीम कौन रही? तो अर्जेंटीना जो है ये विजेता टीम रही लियोनेल मेसी की, तो आप याद रखेंगे। और कितने से? तो 4-2 गोल से पेनाल्टी शूट में इन्होंने जीत प्राप्त की है। और ऐसा ये कितनी बार इन्होंने फीफा विश्व कप का खिताब जीता है? तो तीसरी बार ये जीत रहे हैं, और अभी तक सर्वाधिक बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो ब्राजील
ब्राजील के द्वारा 5 बार जीता गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा हाल ही में चर्चा में रहा, ओलंपिक 2022 का आयोजन समिति के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सिंडी हुक है, यह भी ध्यान रखना है। अब ओलंपिक से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको ये रिकॉल कर लेना है दोस्तों। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक की, इसे आईओसी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को होता है। इसी कारण प्रत्येक 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहां है, तो लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, यहां पर है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो थॉमस बाब जो है वर्तमान में इसके प्रमुख है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें यहां पर ओलंपिक के सीरीज की, तो 32वां ओलंपिक का आयोजन कहां किया गया था, तो टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। और यह 2022 में किया गया क्योंकि कोविड के कारण इसे रोक लगाया गया था। साथ ही साथ अगर 33वां की बात करें तो यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रस्तावित है और इसका शुभंकर भी घोषित किया गया है, फ्रेजियन कैप है। अगर हम बात करें 34वां की, तो यूएसए के लॉस एंजल्स में होगा। और अगर हम बात करें 35वां की, तो यह ऑस्ट्रेलिया में होगा। और यह सत्र कौन सा होगा, तो यह 2024 में होगा पेरिस का, और यह 2028 में होगा यूएसए का। और 2032 की जो बात हो रही है प्रश्न की, तो सिंडी हुक को 2032 के लिए, जो कि ओलंपिक का 35वां संस्करण होगा और ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया जाएगा, इसीलिए क्या बनाया गया है, सीईओ नियुक्त किया गया है। उम्मीद है आपको समझ पा रहे होंगे। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में पीएम कौशल कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन किया गया है, आप ध्यान रखेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशन का खिताब किसने जीता है, तो आप ध्यान रखना है, यहां पर स्पेन के द्वारा जीता गया है, आप इसे याद रखेंगे। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें हम। हाल ही में वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किसने जीता है, तो यह जयपुर पिंक पैंथर के द्वारा जीता है। और पुंडेरी पल्टन जो है ये उपविजेता के रूप में रही है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें ये कौन सी बार यह खिताब जीत रही है, तो दूसरी बार। पहली बार कब जीती थी, तो प्रो कबड्डी लीग का शुरुआत कब होता है, 2014 में होता है। और पहला खिताब किसने जीता था, तो जयपुर पिंक पैंथर के द्वारा जीता गया था। और दूसरी बार 2022 में जीता गया है, यह भी आपको याद रखना है। हाल ही में 2022 में मनाया जा रहा द्वितीय सुशासन सप्ताह कब से प्रारंभ किया गया, तो 19 दिसंबर से लेकर यह 25 दिसंबर तक चलने वाला है। और इसे किस सप्ताह के रूप में, सुशासन सप्ताह के रूप में। अब यहां बात करें 25 दिसंबर की, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती होती है, इसी कारण इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक इसे सुशासन सप्ताह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। भारत सरकार के किस संस्था के द्वारा देशव्यापी अभियान एक सप्ताह एक लैब प्रारंभ किया गया, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह CSIR के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो युवाओं में इनोवेशन को बढ़ावा देना या युवाओं में इनोवेशन के प्रति आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस संस्था से आपको ध्यान रखना है कि इस संस्था के प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही साथ वर्तमान में इसकी पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई है, क्या नाम है, तो नल्ला थुम्बी कलाई सेल्वी जो है, ये वर्तमान में क्या नियुक्त की गई है, महानिदेशक नियुक्त की गई है। किस संस्थान की, CSIR की। इसी क्रम में हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस किस दिवस को मनाया जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अब गोवा से महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में अगर हम देखें, तो आपसे पूछा जा सकता है हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि पुर्तगालियों का सबसे पहले उपनिवेश भारत का कौन सा राज्य बना, तो गोवा बना। और सबसे बाद में पुर्तगाली कहां से गए, तो गोवा से गए। साथ ही साथ विजय दिवस और गोवा मुक्ति दिवस, तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है और गोवा मुक्ति दिवस का मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर को ऑपरेशन विजय के आधार पर पुर्तगालियों को बाहर किया गया था। इसी क्रम में पूछा जा सकता है भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, गोवा है। अगर पूछा जाए तटीय सीमा वाला सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। और यहां पर याद रखना है GST संग्रहालय स्थापित किया गया है, नाम क्या है, धरोहर जो है इसका नाम है। अगर
अगर हम बात करें 37वां राष्ट्रीय खेल की तो इसका आयोजन कहां किया जाएगा, तो गोवा में, जो कि 2023 में किया जाना है। नई शिक्षा नीति को उच्च स्तर पर लागू करने की घोषणा किसने किया है, तो यह गोवा के द्वारा किया गया है। और गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है, और यहां के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत है। आप याद रखेंगे लूसोफोन और सिग्मो महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, तो गोवा में किया जाता है। और सिग्मो नाम की जनजात कहां पाई जाती है, गोवा में पाई जाती है, आपको यह भी याद रखना है। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता अभिसमय में कितने वैश्विक उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है, तो 4 है। तो आप ध्यान रखेंगे ये किस आधार पर, कॉप 15 के आधार पर। इसका आयोजन कहां किया गया, कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया, और जैव विविधता पर किया गया, 4 उद्देश्यों को लेकर निर्धारित किए गए। अगर हम बात करें इसमें महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल का आयोजन किया जाता है, समझौते का, जिसे ओजोन प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ओजोन संरक्षण में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में अगर हम बात करें, आप याद रखेंगे कॉमनवेल्थ गेमों का शुरुआत कहां से होता है, तो आप याद रखेंगे ये कनाडा से होता है, कनाडा के हैमिल्टन से, और 1930 ईस्वी से, कहां से, 1930 ईस्वी से। इसी क्रम में जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। साथ ही साथ जैव विविधता टर्म को सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, वाल्टर जी रोसेन के द्वारा। अगर पूछा जाए विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे कहां, अमेजन के जंगलों में पाया जाता है, जो कि ब्राजील से संबंधित है। और भारत में अगर पूछा जाए आपसे, तो आपको याद रखना है केरल राज्य में पाया जाता है, और जिसे पश्चिमी घाट या साइलेंट वैली या सांत घाटी के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो अमेजन के जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगर बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ 27 का, इसका आयोजन कहां किया गया, तो मिस्र में। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा है। अगर बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ 26 का, ग्लासगो में किया गया। और कॉप 19 का आयोजन कहां किया गया, तो पनामा में किया गया, जिसकी राजधानी पनामा सिटी है। अगला हमारा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित केप टू रियो में 50वें संस्करण में कौन सा नौसैनिक जहाज शामिल किया गया, तो INS तरणी शामिल किया गया। साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, यहां केप का मतलब केप टाउन है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। और यहां रियो का मतलब क्या है, तो आप याद रखें ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरियो। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाता है, तो यह रियो डी जेनेरियो में किया जाता है, जो कि ब्राजील से संबंधित है। अगर बात करें ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया है। और यहां पर हाल ही में चुनाव हुए हैं, आपके याद रखना है कि 2023 में यहां के प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं, तो लूला डी सिल्वा बनने वाले हैं। इनकी पार्टी को जीत हासिल हुई है, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी किस देश द्वारा प्रदान किया गया, तो अमेरिका के द्वारा किया गया। अभी हम लोगों ने बात कर रखा है अमेरिका, यूएसए की खोज, या अमेरिका की खोज किसके द्वारा, तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। और यहां के पहले राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाने जॉर्ज वाशिंगटन। यहां की आप बात करें मुद्रा तो डॉलर है। यहां का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो आपको याद रखना है बेसबॉल है, और उसी में शब्द होमर शब्द का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें राजधानी की, तो वाशिंगटन डीसी है और पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है, यह भी याद रखना है। इसी क्रम में वर्तमान में है राष्ट्रपति कौन है, तो जो वाइडेन है। और पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस है। साथ ही साथ यहां की स्पीकर कौन है, तो नैन्सी पेलोसी है, यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है, M.K. स्टालिन। राज्यपाल कौन है, R.N. रवि। और तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट। कौन सा, कोरोमंडल तट। साथ ही साथ आप याद रखेंगे T-Multiply 2 पुरस्कार से किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु से है। अगर डुगोंग संरक्षण पूछा जाए, लोरी सिलेंडर संरक्षण पूछा जाए, तो इसका स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु है। कैग की आपको याद रखना है लेखा परीक्षक का गठन करने वाला या पद का सृजन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। और खाद्य सुरक्षा संग्रहालय की स्थापना करने वाला भारत का पहला
राज्य कौन है, तो यह तमिलनाडु राज्य है, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में यहां देखें फ्रेंड्स, आप लाइब्रेरी का आशय क्या है, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे लोग जैसे वृद्ध जन हो गए, जैसे मरीज हो गए, जैसे बच्चे हो गए या दिव्यांग जन हो गए, जो लाइब्रेरी नहीं जा सकते उनके लिए व्यवस्था करना, यह प्रोग्राम किसके द्वारा, तो यह प्रोग्राम जो है यह फ्रेंड्स आप लाइब्रेरी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देखेंगे, हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में सभी श्रेणियों में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो आप याद रखेंगे पुडुचेरी को प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे दूसरा कौन है, तो आप याद रखेंगे लक्षद्वीप, और अगर दूसरे के सामान रूप से देखें तो लक्षद्वीप और सोलन जो कि हिमाचल प्रदेश से है इसे प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में गोवा को नहीं भूलना है, तीसरे स्थान पे है, और आप यहां ध्यान रखेंगे कि आर्थिक सलाहकार परिषद तो इन्हीं के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है, साथ ही साथ वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वी अनंत नागेश्वरन जी जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में है, आपको याद रखना है। अगला हमारा, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के छात्र के द्वारा ऋषि राज बोपट के किस भारतीय संस्कृत ग्रंथ का डिकोड किया गया है, तो अष्टाध्यायी है, और यह संस्कृत के व्याकरण की प्रसिद्ध बुक है, इसके लेखक कौन है, तो पाणिनि है, यह भी आपको याद रखना है, और महेश्वर सूत्रों का संबंध कहां से है, तो इसी अष्टाध्यायी से है, यह भी आपको याद रखना है। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो इनका संबंध कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से है, यह भी आपको याद रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस भारतीय निजी कंपनी को अपना आधिकारिक साझेदार नियुक्त किया गया है, यहां जो हमारा सही विकल्प होगा टाटा स्टील लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ की इसकी स्थापना कब होती है, तो आप ध्यान रखेंगे 1924 ईस्वी में होती है। इसका मुख्यालय स्कॉटलैंड कहां है, स्कॉटलैंड है, और हाल ही में इसके प्रमुख नियुक्त किए गए हैं कौन है, तो डॉक्टर तैयब, कौन है, डॉक्टर तैयब है, कहां के हैं, पाकिस्तान के हैं। और इसी क्रम में भारत की याद रखना है, तो भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी, 1925 में, और इसके प्रमुख नियुक्त किए गए हैं दिलीप टर्की, आपको याद रखना है। इसी क्रम में टाटा स्टील याद रखना है, टिस्को की स्थापना कब होती है, तो आप याद रखेंगे 1907 ईस्वी में, कब 1907 ईस्वी में, साक्षी में होता है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला, हाल ही में सातवां पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। अब नई दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण आयोजन हुए हैं, जैसे अगर पूछा जाए आपसे दिव्य कला मेला, साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए विश्व व्यापार सम्मेलन, पूछ लिया जाए ड्रोन मेला, और पूछ लिया जाए द्वारका एक्सप्रेस वे, इन सब का संबंध कहां से है, तो आप ध्यान रखेंगे नई दिल्ली, कहां से, नई दिल्ली से है, और दिल्ली के नए उपराज्यपाल किए गए हैं कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना है, और यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया, और यहां पर मंत्रियों की संख्या कितने अधिक नहीं हो सकता, तो 10% से अधिक नहीं हो सकता। विधानसभा की सीटें 70 हैं, लोकसभा की सीटें 7 हैं, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की कौन सी बैठक बुलाई गई, तो यह 25वीं बुलाई गई थी। दोस्तों कहां बुलाया गया था, यह भी ध्यान रखेंगे कोलकाता, कहां, कोलकाता में बुलाया गया। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि यह भारतीय क्षेत्रीय परिषद कितनी है भारत में, तो आप याद रखेंगे वर्तमान में कितनी है, तो आप याद रखेंगे पहला पूर्वी, दूसरा पश्चिमी हो गया, तीसरा उत्तरी हो गया, और चौथा दक्षिणी हो गया, और इसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है किस अधिनियम के द्वारा, तो अधिनियम 1971 के आधार पर। और अगर हम बात करें क्षेत्रीय परिषद का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया जाता है, तो अधिनियम 1956। और आप ध्यान रखेंगे इसके प्रमुख कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं, और किस अनुच्छेद में वर्णित है इंटरस्टिटियल स्टेट के बारे में, तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 263 जो है अंतरराज्यीय संबंध से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में IIC उद्योग उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, तो यह कौन है, तो ध्यान रखेंगे NMDC है, और आप याद रखेंगे इसका मुख्यालय कहां स्थित
स्थित है, तो हैदराबाद, कहां? हैदराबाद में स्थित है। अब दोस्तों यहां बात हो रही थी पुरस्कारों की, तो कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार आप जरूर निकाल रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कौन है, तो जेलेंस्की। कौन है? जेलेंस्की है, और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगर पूछा जाए सखारोह पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया है या किस देश की जनता को, तो यूक्रेन की जनता को दिया गया है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो एंजेला मार्केल को दिया गया है, जो कि पूर्व में जर्मनी की चांसलर रही है। वर्तमान में कौन है? ओलाफ सोल्ज है। इसी क्रम में अगर बात की जाए नानसेन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, एंजेला मार्केल को। साथ ही साथ अगर पूछा जाए बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 2022, तो साहेन करुण तिलका को। और इसी क्रम में अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो गीतांजलि श्री हैं, और ये इनकी कृति क्या है, रेत की समाधि, और इसी का अंग्रेजी वर्जन किसके द्वारा किया गया था, ड्रेजी रोपेल के द्वारा, टॉम ऑफ द सैंड। ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देखेंगे। हाल ही में ब्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन का संबंध किस भाषा से है, तो हम लोगों ने वहां पर भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा था इसको, ये कन्नड़ भाषा से संबंधित है। और अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, तो आपका ध्यान होना चाहिए कि ये 6 भाषाएं हैं। कौन है? तो आप याद रखेंगे तमिल है, तेलुगु है, साथ ही साथ मलयालम है, और आप याद रखेंगे संस्कृत है, और उड़िया। कौन है? उड़िया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे पुरानी भाषा के रूप में, शास्त्रीय भाषा के रूप में कौन है, तमिल भाषा, और नवीनतम भाषा के बारे में पूछा जाए, आपको याद रखना है ये तमिल 2004 में, और अगर उड़िया की बात करें तो 2014 में। और कन्नड़ को भी आप याद रखेंगे यहां से कि सबसे पुरानी भाषा तमिल है, और सबसे नई नवीनतम भाषा कौन जोड़ी है, उड़िया है, और ये 6 भाषाएं जो है शास्त्रीय भाषाओं के रूप में है। जबकि शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो ये 8 है। कितने हैं? 8 है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में हाल ही में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, तो तमिल साहित्य के बारे में जानना और उत्तर भारत के साहित्य का जो अनुभव है उनको, दोनों का मिलान करना या उनके बीच में समानताओं को युवाओं के बीच में प्रसारित करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, जो कि कहां, वाराणसी में आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। अगला हमारा है हाल ही में आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो लियो बराडकर हैं। और चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, और आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है, यह भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ भारतीय मूल के व्यक्ति जो कि विदेशों में या अन्य देशों में उच्च पद पर हैं, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, कौन है, तो ऋषि सुनक हैं, आप याद रखेंगे, और सबसे कम उम्र में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। साथ ही साथ सबसे कम कार्यकाल वाली ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो लीज ट्रेस बनी है, जो इनसे पहले उनका कार्यकाल मात्र 45 दिन का रहा है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए सूरीनाम के प्रधानमंत्री कौन है, तो चंद्रिका प्रसाद संतोषी हैं, यह भी भारतीय मूल के हैं। इसी क्रम में आपको याद रखना है कमला हैरिस को, ये यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में है। साथ ही साथ आपको परविंद जगन्नाथ को याद रखना है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बदले गए हैं, कौन कौन है, तो राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रम सिंधे, और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो दिनेश गुणवर्धने। साथ ही साथ इसराइल के बारे में ध्यान रखना है, वहां पर भी तख्ता पलट हो चुका है, और वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू वापसी करने वाले हैं, जो कि 2023 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने यूएन समर्थित महिला आयोग को निष्कासित कर दिया है, तो आप ध्यान रखेंगे यूएन के द्वारा महिला समर्थित जो आयोग है उसका नाम क्या है, सामाजिक आर्थिक परिषद। अगर बात करें इसमें ईरान को अलग क्यों किया गया, तो यहां पर लिंग आधारित हिंसा अधिकतर है, जिसे महिलाओं के प्रति हिंसा अधिकतर है, इसी कारण यूएन के समर्थित महिला आयोग के द्वारा ईरान को अलग कर दिया गया है। ईरान की राजधानी क्या है, तो तेहरान
तेहरान इसकी राजधानी है, और आप याद रखेंगे यहाँ की मुद्रा हाल ही में परिवर्तित की गई थी, टोमान यहाँ की नई मुद्रा के रूप में जारी किया गया है, यह भी याद रखेंगे। यूएन की बात करें तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसके 6 भाग हैं, 6 भाषाएं हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रमुख इसके कौन हैं तो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटारेस हैं। इसी क्रम में आपको याद रखना है यहां से महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि मानवाधिकार आयोग भी इसी का एक हिस्सा है, जिसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कौन, बोलकर तुर्क, और यूएनओ में पहली अस्थायी प्रतिनिधि में चुनी जाने वाली भारतीय कौन है तो रुचिरा कंबोज है, यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा है हाल ही में 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 68वां है। किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, तो आप याद रखेंगे यूके के इकोनॉमिस्ट के द्वारा जारी किया गया नामक संस्था के द्वारा। और भारत का स्थान विगत वर्ष में कितना था, 71 2021 में था, अब की बार कितना हो गया है 2022 में, 68 हो गया है, यह भी याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और अगर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाए तो 16 अक्टूबर, कब, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। और इसी क्रम में वैश्विक खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो डॉक्टर सिंथिया को, जो कि यूएसए से संबंधित है, आपको याद रखना है। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ का तीसरा औपचारिक उम्मीदवार घोषित किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे यहां यूरोपीय संघ की बात हो रही है, इसकी स्थापना आप इसके बारे में ध्यान देंगे तो यह मॉल्डोवा है। कौन सा है, मॉल्डोवा है, और इसकी राजधानी क्या है, चिसानाउ जो है इसकी राजधानी है। इसी क्रम में अन्य दो देश पहले कौन थे, तो यूक्रेन जिसकी राजधानी क्यू है, और बोस्निया है, यह जो दो देश हैं इससे पहले घोषित किए गए थे औपचारिक रूप से, और तीसरा औपचारिक रूप से घोषित किया जाने वाला देश कौन है, मॉल्डोवा है। इसी क्रम में आपको याद रखना है यूरोपीय संघ की, तो इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 27 है, और इसका मुख्यालय कहां है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे G20 देशों में तो यूरोपीय संघ भी शामिल है, G20 देशों के समूह में यूरोपीय संघ भी शामिल है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसकी प्रमुख कौन है, तो वांसुला वॉन डेन लेन जो है वर्तमान में इसकी प्रमुख है, यह भी आपको याद रखना है। हाल ही में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता, तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्जेंटीना ने जीता है। यह संस्करण कौन सा, 22वां, कौन सा, 22वां संस्करण, कहां आयोजन किया गया, दोहा कतर, और इसका शुभंकर क्या था, लाइव था, टीम कितनी थी, 32, और फुटबॉल को किसने बनाया था, तो एडिडास कंपनी के द्वारा, और इसका अगर हम बात करें इसका नाम क्या रखा गया था, अल रेहला, कौन, अल रेहला रखा गया था, आपको याद रखना है, यह महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अगर बात करें 2026 का कहां पर होगा फीफा फुटबॉल का आयोजन, तो आप याद रखेंगे यूएसए मैक्सिको में आयोजन होने वाला है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के किस महान गणितज्ञ की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती के आधार पर, और ये भारत के या विश्व के महान गणितज्ञों में आते हैं, इसी इन्हीं के नाम से कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया जाता है, जैसे शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो युंग टिंग को दिया गया है, और इन्होंने कम समय में गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। साथ ही साथ अगर बात की रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो नीना गुप्ता को दिया गया है, और अगर हम बात करें गणित के क्षेत्र में दिया जाने उत्कृष्ट पुरस्कार एबल पुरस्कार किसे दिया गया, फ्रांसिस कैरे को दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में देखें, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो दिनेश कुमार शुक्ल जी को बनाया गया है। और भारत में वर्तमान में कुछ परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है उसके नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कैगा की बात की जाए तो ये कर्नाटक से संबंधित है, नरौरा की बात की जाए उत्तर प्रदेश से संबंधित है, अगर ककरा पार की बात की जाए गुजरात राज्य से संबंधित है, कुडनकुलम और कल्पक्कम की बात की जाए तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, इसी क्रम में अगर बात किया जाए तारापुर तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आपको नियुक्तियों से नहीं भूलना है, अगर पूछा जाए 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, डीवाई चंद्रचूड़ जी को, अगर पूछा जाए 16वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है आर वेंकट रमण जी को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है 14वें कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है 36वें भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, विनय मोहन क्वात्रा जी को नियुक्त किया गया है। आप ये सारे प्रश्न जरूर याद रखेंगे। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, हाल ही में नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल में दूसरा संग्रहालय बनाया जा रहा है, पहला
पहला पनडुब्बी कहाँ स्थित है? तो ये विशाखापट्टनम में स्थित है। और दूसरा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में बनाया जा रहा है। इसी क्रम में आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल से ही आपको याद रखना है। सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्र किस राज्य से लगता है? तो आप ध्यान रखेंगे ये पश्चिम बंगाल से लगता है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे विशाखापट्टनम में ही मिलन युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया गया था? तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। विशाखापट्टनम का संबंध कहां से है? आंध्र प्रदेश से है। और 25वां हाईकोर्ट का स्थापना कहां किया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। आंध्र प्रदेश से नवीनतम राज्य के रूप में अलग होने वाला राज्य कौन बना था? तेलंगाना। कब? 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में घोषित किया गया था। इसी क्रम में अगर बात करें 13 नए जिले की स्थापना किसने किया है, तो यहां पर आंध्र प्रदेश होगा। फलों के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है वर्तमान में? तो यह भी कौन होगा? आंध्र प्रदेश होगा। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी और विश्वभूषण हरिचंद्रन है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। यह भी याद रखना है। अगला हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस हिंदी रचना को दिया गया? तो तुमड़ी के शब्द के लिए। और कौन लेखक है इसके? बद्री नारायण जी इसके लेखक हैं, आपको याद रखना है। इसी क्रम में तमिल भाषा में राजेंद्रन को दिया गया है। इनकी कृति क्या है? काला पानी है। और अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राज को दिया गया है, यह भी याद रखना है। इसी क्रम में हम महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है उसको भी याद रखेंगे। अगर 31वां व्यास सम्मान की बात की जाए तो असगर वजाहत को दिया गया है। 31वां सरस्वती सम्मान की बात की जाए रामदरस मिश्रा जी को दिया गया है। और इसी क्रम में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये नीलमणि फूकन को दिया गया है। और 57वां की बात करें तो दामोदर माउजो को दिया गया है। इसी क्रम में आपको भूलना नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये पहली भारतीय महिला है जिनका नाम है गीतांजलि श्री, आप याद रखेंगे। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें, हाल ही में चर्चा में रहा आसियान भारत ग्रास रूट फोरम 2022 में भारत के किस इनोवेटर को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो ये शालिनी कुमारी है। और इनका संबंध कहां से है? बिहार राज्य से है। और आप याद रखेंगे आसियान की स्थापना कब होती है? 1967 में। इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 है। भारत आसियान देशों का सदस्य समूह में नहीं शामिल है। लेकिन अगर बात करें आसियान के व्यवहारिक दृष्टिकोण की, तो भारत लंबे समय से मतलब 30 वर्षों का जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है, इसका आयोजन किया गया हाल ही में आसियान सामरिक सम्मेलन, जिसका कंबोडिया में। और आप याद रखेंगे ग्रास रूट फोरम 2022 ये कौन सा संस्करण था? तो ये तीसरा संस्करण था। और शालिनी कुमारी को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है? तो अर्जेस्टेबल वाकर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इनको विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी उत्पादक और निर्यातक देश कौन बना है? तो यहां पर भारत बना है। और आप ध्यान रखेंगे विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। अगर पूछा जाए भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे चीनी उत्पादन और निर्यात में विश्व में पहला स्थान कौन है? तो भारत का है। दूध के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पे कौन है? तो यहां पर भी आपको याद रखना है भारत है, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे कल्याणी फेरेस्टा जो है ये भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। और ग्रीन का यहां मतलब आपको याद रखना है जो आपका पर्यावरण प्रदूषण है उसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए कल्याणी फेरेस्टा जो है ये ग्रीन स्टील ब्रांड के रूप में लॉन्च किया गया है, आप याद रखेंगे। हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंटी संग्रहालय का शुभारंभ कहां किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया, यह भी आपको याद रखना है। आइए हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं, यहां देखिए दिया गया हाल ही में यूएनएससी में किस देश में हिंसा समाप्त करने के लिए पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया? तो म्यांमार में। और म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था। और उसका राजधानी का नाम रंगून था। वर्तमान में म्यांमार की बात करें राजधानी क्या है? नैपिडा है। आप ध्यान रखेंगे स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा के देश के नाम से जाना जाता है। यहां महत्वपूर्ण संस्था के रूप में बात करें तो यूएनएससी की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। 10 अस्थाई होते हैं, 5 अस्थाई होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और यूएनएससी की दिसंबर माह की अध्यक्षता किस देश के द्वारा
द्वारा ग्रहण किया गया है तो भारत के द्वारा ग्रहण किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, हाल ही में गुजरात के 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो जेठा अर्डो हैं, इनको नियुक्त किया गया है। गुजरात की बात कर ले तो गुजरात में महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आपको ध्यान रखना है, गुजरात राज्य और महाराष्ट्र दो राज्य ऐसे हैं जिनका गठन 1 मई 1960 को होता है। ये प्रत्येक वर्ष 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी क्रम में अगर बात की जाए भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो गुजरात में शहर है अहमदाबाद, इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो तमिलनाडु का कोयंबटूर शहर है इसे कहा जाता है। और अगर एक प्रश्न और पूछा जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर शहर है इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी क्रम में गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और ब्लैकबक नेशनल पार्क का संबंध कहां से है, तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में केवड़िया, केवड़िया या स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध कहां से है, तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में आपको याद रखना है बुलेट ट्रेन कहां से इसका सफल परीक्षण किया गया, तो सूरत से, और स्टील स्लैग से पहला रोड कहां बनाया गया, तो सूरत में बनाया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है डेफ एक्सपो का आयोजन कहां किया गया 2022 का, तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, क्या है, गांधीनगर है, यहां पर आयोजन किया गया। और ये कौन सी विधानसभा थी, 15वीं विधानसभा थी, और अभी तक बीजेपी को किसी राज्य में इतनी सीटें नहीं प्राप्त हुई, 182 सीटों में कितनी, 156 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई। अगर हम बात करें यहां मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आप याद रखेंगे भूपेंद्र पटेल जी को, और इन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है और गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में हैं। यहां राज्यपाल कौन है, तो आप याद रखेंगे आचार्य देवव्रत हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में गुजरात राज्य से ही, तो बड़ौदा का जो विश्वविद्यालय गतिशक्ति विश्वविद्यालय, साथ ही साथ यहीं पे आपको याद रखना है गिफ्ट सिटी, जहां एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा पहली इकाई स्थापित की गई भारत में, वह कहां संबंधित है, तो आप याद रखेंगे गिफ्ट सिटी में स्थापित किया गया है, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया गया था, गुजरात में, और इसका शुभंकर क्या था, सावज, और इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा, तो सर्विसेज जो है पहले स्थान पे रहा, यह भी याद रखना है। अगर बात करें अटल ब्रिज की इसकी स्थापना कहां की गई है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका स्थापना गुजरात के अहमदाबाद में किया गया, साबरमती नदी पर, 300 मीटर इसकी लंबाई है। इसी क्रम में अगर बात करें भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन बना है पहला, तो वो मोटेरा गांव है। क्या है, मोटेरा गांव है, और यहीं पर मोटेरा स्टेडियम है जिसका नाम परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। यह गुजरात राज्य से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी, और यहां से संबंधित जो सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने क्विक रिवीजन के रूप में देख लिया। यकीन है आपको यह रिवीजन की सीरीज पसंद आएगी। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखें और चैनल के प्रति अपना आभार और प्रेम इसी तरह बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।